इसके साथ आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है, इसके साथ जो फील मिलता है ना आपको थोड़ा सा रॉयल सा मिलता है। मैं बताऊं दोस्तों तो मुझे ना ज्यादा रिलैक्सिंग वो बाइक लगी। यहाँ पर आपको मिल जाता है 16 इंच का अलॉय, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाता है 18 इंच का अलॉय। और दोस्तों इसी की वजह से ना इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस में जो है वो डिफरेंस आ गया है। बाकी जो मेजर डिफरेंस है दोस्तों यही है, फ्यूल कैपेसिटी में डिफरेंस है, पोस्टर में डिफरेंस है, उसी के साथ टायर सेटअप में डिफरेंस है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोनों बाइक से कंपैरिजन के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये शॉटगन 650 लेनी चाहिए या फिर सुपर मीटर लेनी चाहिए, तो आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में, और बताएंगे आपको कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और जो चीजें हैं क्या कैसी मिल जाती है, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों बाइक के बारे में। तो यार देखो, सबसे पहली बात ये है एक क्रूजर और ये है एक रोस्टर। इसको चलाने का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि मैंने इसको चलाया और इसके साथ पता है आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, इसके साथ आपको एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपको लगता है कि बस भगा दो। अगर आपने कभी हंटर चलाई हो उसके हिसाब का आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि छोटी सी बाइक और बहुत ज़्यादा पावरफुल। इसके साथ आपको ये फील मिलता है, इसके साथ जो फील मिलता है ना आपको थोड़ा सा रॉयल सा मिलता है, थोड़ा रिलैक्स होकर बैठते हो आप। एंड कंपेरेटिवली ऑनेस्टली मैं बताऊँ दोस्तों तो मुझे ना ज़्यादा रिलैक्सिंग वो बाइक लगी, क्योंकि जो उसके फुटरेस्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, राइट। और इसमें जो है इसके फुटरेस्ट थोड़े आगे से प्लेस्ड हैं, ऐसे करके बैठते हो तो वो चीज़ अलग है। एक बार मैं बैठ के भी दिखाता हूँ। तो इस पर जो सीटिंग पोस्चर रहने वाला है ना ये ऐसा है, इसकी जो सीट हाइट है एज कम्पेयर टू शॉटगन वो कम है। उसकी दोस्तों जो सीट हाइट है वो मिल जाती है 795 mm की। इसकी जो सीट हाइट है ना, इसकी हेड सीट हाइट जो है कम है। मैं जो हूँ दोस्तों 5.5-5.6 का हूँ, तो मेरे पैर ऐसे टिक रहे हैं इस बाइक के ऊपर और मैं ऐसे करके बैठता हूँ। अगर मैं बात करूँ मेरे को दोनों में से किसको चलाने में ज़्यादा मजा आया, फॉर श्योर मैं कहूँगा भाई मुझे ज़्यादा चलाने का मजा आया शॉटगन 650 में, क्योंकि भाई बैठते ही ना ऐसा लगता है उड़ा दो। क्योंकि यार थोड़ा सा ना उससे उसमें थोड़ा रिलैक्सिंग सा आपको पोस्चर दिख जाता है, इसमें थोड़ा एग्रेसिव सा देखने के लिए मिल जाता है, और ये जो चीज़ है बहुत ही बढ़िया लगती है। इसकी जो सीट हाइट है दोस्तों 795 mm की सीट हाइट देखने के लिए मिल जाती है। 5.6 हो या 5.5 हो तो आपके ऐसे पैर दिख जाएंगे, टिप्टू होता है, इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, आप बड़े प्यार से इसको चला सकते हो। और इसको चलाने में ना बहुत मज़ा आता है, थोड़ा सा आगे की तरफ आप फॉरवर्ड होकर बैठते हो, और मेजर जो है दोस्तों ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों जो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है इनके फ्यूल कैपेसिटी में। इसके साथ आपको मिल जाता है 13.8 लीटर का फ्यूल टैंक। वही दोस्तों अगर हम सुपर मीटर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो इंजन की अगर हम बात करें तो दोनों में सेम इंजन मिल जाता है 648 cc का, जो कि प्रोड्यूस करता है 47 bhp, और उसी के साथ 52 Nm ऑफ टॉर्क। तो इंजन वाइज सेम है, अग्रेशन जो मजा आता है जो चलाने में आता है उसको आता है वो शॉटगन में, और इसमें जो थोड़ा रिलैक्स होकर बैठते हो। बाकी दोस्तों जो मेन डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है वो है व्हील साइज में। यहाँ पर आपको मिल जाता है 16 इंच का अलॉय और सामने आपको दिख जाता है 19 इंच का अलॉय। यहाँ पर जो दोस्तों आपको टायर दिख जाता है 150x80 का आपको टायर देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर हम शॉटगन की तरफ आए तो यहाँ पर जो है टायर सेटअप में चेंज दिख जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाता है 18 इंच का अलॉय। यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाता है 100x90 का टायर। और अगर हम रेयर की बात करें तो यहाँ पर चेंज है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है 17 इंच का अलॉय, जो कि आता है 150x70 का टायर के साथ। और दोस्तों उसी की वजह से ना इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस में जो है वो डिफरेंस आ गया है। इसमें आपको मिलती है 140 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पर आपको दोस्तों मिल जाती है 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी जो मेजर डिफरेंस है दोस्तों यही है, फ्यूल कैपेसिटी में डिफरेंस है, पोस्टर में डिफरेंस है, उसी के साथ साथ टायर सेटअप में डिफरेंस है। जो इंजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ग्लॉस इंजन दिख जाता है, यहाँ अगर आ जाए हमको तो आपको ग्रे फिनिश में इंजन दिख जाता है। ये आपको मेजर डिफरेंस दिख जाते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों जो नई चीज़ दिख जाती है वो आ जाता है आपका हेडलाइट काउल। तो आप देख सकते हो ये आपको ऐसा काउल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी दोस्तों अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, मैंने इस बाइक को चलाया, मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब देख के ऐसा नहीं लगता कुछ, लेकिन जब आप इसको बैठते इस पर चलाते हो जो पावर फील होती है ना वो ट्रमेंडस होती है। उसी के साथ साथ दोस्तों मुझे एक चीज़ बेकार लगी यार, कि अगर आप इस बाइक को देखोगे ना इंजन पूरा भरा सा लगता है, ठीक है, इसके साथ फ्यूल कैपेसिटी भी ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ आ जाएँ तो यार अगर आप यहाँ से देखोगे ना इंजन थोड़ा सा यार कहीं ना कहीं खाली खाली से दिखता है। तो ये चीज़ जो है मुझे शॉटगन की एज़ कम्पेयर टू SM650 वो थोड़ी बेकार सी लगी। बाकी इसको आप बहुत आराम से कस्टमाइज कर सकते हो। और मेजर डिफरेंस आया था इसके रेयर फेंडर में, देख सकते हो इतना ऊपर है। सुपर मीटर के दोस्तों अगर हम बात करें तो उसका आपको ना काफ़ी नीचे देखने के लिए मिल जाता है, आप देख ही सकते हो। और भाई ऐसा सा कुछ सेटअप है। बाकी एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट चेंज है, यहाँ पर आपको क्रोम दिख जाते हैं, वहाँ पर आपको दिख जाते हैं पूरे ब्लैक्ड आउट, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये जो है बड़े बड़े मेजर डिफरेंस है दोस्तों। दोनों ही बाइक का अपना मज़ा है चलाने का, ये क्रूजर है वो रोस्टर है, एंड दोनों बाइक ही मैंने चलाई, बहुत मज़ा आया। तो अगर आप इनको लेना चाहते हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो शिरांदे गोविंदा, और बहुत ही अच्छी आपको डील मिल जाएगी। बाकी जो बाइक्स हैं बहुत बढ़िया हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।